दोस्तों, इतिहास से हम सब ने ये तो अवश्य सीखा होगा कि चोरी हमेशा वहीं होती है जहां पर धन की संभावना होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स और आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय चैनल अग्निवेश वैदिक संस्कार सेवा समिति। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम वर्मा कूर्म क्षत्रिय और उनका महाराज मार्तंड वर्मा से क्या संबंध था, इस विषय में बात करेंगे। और इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि वर्मा कूर्म क्षत्रियों का जो साम्राज्य था वो कितना वैभवशाली था। इस वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि महाराज मार्तंड वर्मा ने अपने धन को ब्रिटिश और आतताइयों से बचाने के लिए कहाँ छुपाया था। इस वीडियो में हम आगे ये भी चर्चा करेंगे कि महाराज मार्तंड वर्मा ने जो भी विद्या को उस समय अपने धन को छुपाने में लगाया, क्या उसे आज खोल पाना संभव है या नहीं। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे अपने वर्मा कूर्म क्षत्रियों के बारे में जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो अवश्य बताइएगा। तो वर्मा कूर्म क्षत्रियों का इतिहास जानने के लिए हमको जाना पड़ेगा केरल के त्रावणकोर मंदिर पद्मनाभ स्वामी में। आज के 4 साल पहले जब मैंने वर्मा कूर्म क्षत्रियों के इतिहास पर यूट्यूब पर वीडियो डाला था तो मेरे दोस्तों ने कमेंट किया था कि इनके पास यदि राज शासन था तो इनका धन वैभव और किला आदि कहाँ है। तो आज मैं एक ऐसे ही धन वैभव का गान करने वाले मंदिर महाराज मार्तंड वर्मा द्वारा बनाए हुए पद्मनाभ स्वामी मंदिर पर चर्चा करूंगा। दोस्तों, 1730 ईस्वी में स्थापित ये पद्मनाभ स्वामी मंदिर एक नज़र में देखने से ऐसा लगता है कि सनातनियों के आस्था का एक बहुत बड़ा संगम है, लेकिन मार्तंड वर्मा ने उस समय इस मंदिर का निर्माण अपने राष्ट्र के सोने धन आदि को बचाए रखने के लिए किया था। इस मंदिर के गर्भगृह में उन्होंने 4 तहखाने बनवाए थे। उन 4 तहखानों में उन्होंने अपने राज्य की अपार संपदा को छुपा दिया था, क्योंकि उस वक्त आतताई और ब्रिटिश सरकार जहां भी सोने को पाती थी उसे तुरंत लूट लेती थी। ये बात महाराज मार्तंड वर्मा जानते थे कि केरल के त्रिवेंद्रम में उनका राज्य और दक्षिण में वो बहुत दिनों तक इस धन को नहीं बचा सकते, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के पैर दक्षिण में सबसे मजबूत थे। इसलिए उस जमाने में उस धन को कैसे बचाया जाए, इसलिए महाराज मार्तंड वर्मा ने अपने कुल गुरुओं की मदद से उन वॉलेट्स पे यानी कि उन तहखानों पे नागबंध का प्रयोग किया था। दोस्तों, ये नागबंध भारतीय सनातन विज्ञान में एक ऐसा बंध है जिसको खोलने के लिए एक विशिष्ट विद्या की जानकारी होना आवश्यक है। अभी कुछ सालों पहले भारत के न्यूज़ चैनल्स पर आप सब ने सुना होगा कि केरल की एक मंदिर में बहुत सारा धन मिला है। एक्चुअली वो धन पद्मनाभ स्वामी मंदिर के तहखाने से निकाला गया था। जब भारत सरकार को यह पता चला कि पद्मनाभ स्वामी मंदिर में महाराज मार्तंड वर्मा ने बहुत सारा धन ब्रिटिश और आतताइयों से बचाने के लिए छुपा रखा था, तो उन्होंने तहखानों को खोलने का निर्णय लिया। ऐसे में तहखानों को खोलने के लिए उन्होंने राज पुरोहित से संपर्क किया और उनको पता चला कि 3 तहखाने तो खोले जा सकते हैं जिन पर नागबंध नहीं लगा हुआ है, लेकिन वो 4th तहखाना नहीं खोला जा सकता क्योंकि उस पर नागबंध लगा हुआ है और यदि उस तहखाने को खोल दिया गया तो पूरे केरल में सांप ही सांप हो जाएंगे, ऐसा कुल पुरोहित ने बताया। लेकिन भारत सरकार ने जब अपने विज्ञानियों से बात की तो उन्होंने इस विज्ञान के युग में इस बात को सही न मानते हुए ये माना कि यदि इस वॉलेट को खोल दिया जाएगा तो पूरे नगर में जल ही जल हो जाएगा, वो भी समंदर का पानी नगर में भर जाएगा। दोस्तों, इस 3 तहखानों से निकली संपत्ति की पूरी राशि लगभग 90,000 करोड़ रुपये थी। यह एक बहुत बड़ी धनराशि थी। तो जो मित्र इस चैनल पर यह कमेंट करते थे कि वर्मा कूर्म क्षत्रियों के इतिहास में वैभव कहाँ है, तो वो जाकर मार्तंड वर्मा का इतिहास अवश्य देखें और वो जाकर ये भी देखें कि मार्तंड वर्मा के आगे वहाँ के शासक राम वर्मा ही थे। अब भारत सरकार के पास एक दुविधा थी कि 3 वॉलेट्स को खोलने के बाद जो संपदा 90,000 करोड़ रुपये निकली थी, तो 4th वॉलेट कैसे खोला जाए और किस प्रकार खोला जाए। और कुल पुरोहित ने अनुमान से बताया कि इस 4th वॉलेट में इन 3 वॉलेट से निकली संपदा से भी 6 गुना अधिक संपदा हो सकती है जो कि वहां की लिपियों में वर्णित है।
ऐसे में भारत सरकार ने जब विज्ञानियों से बात की कि इस वॉलेट को कैसे खोला जाए, तो उन्होंने बताया कि इस वॉलेट को खोला जा सकता है, लेकिन इस वॉलेट को खोलने की विद्या सिर्फ मार्तंड वर्मा के परिवार को पता होगी। ऐसे में भारत सरकार ने मार्तंड वर्मा के पूरे परिवार को खोजना शुरू कर दिया। इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ उन मित्रों को जवाब देना चाह रहा था जो वर्मा कूर्म क्षत्रियों को पटेलों को वैभवशाली नहीं मानते, और वो मानते हैं कि वर्मा कूर्म क्षत्रिय नहीं थे। इसी कुछ चर्चा के साथ मैं आपका मित्र वैद्य अभिषेक वत्स आज आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।